हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल बर्ड्स में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों, आपको एक अपडेट देना था। ये जो मेरे नीचे के अफ्रीकन लव बर्ड्स हैं, इन्होंने फिर से एक बार एग लिए किए हैं। तो वो मैं एग आपको दिखा देता हूँ। तीन एग लिए किए हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, सही से दिखाई नहीं दे रहा। तीन एग लिए किए हुए हैं और इस बार उम्मीद करते हैं कि बच्चे पैदा हो जाए, इनफर्टाइल एग ना निकले। पिछले बार इनके जो तीन एग्स थे वो इनफर्टाइल निकल गए थे। तो इस बार उम्मीद करते हैं कि इनके बच्चे निकल आए अंडों से। और ये जो ऊपर के अफ्रीकन लव बर्ड हैं, ये अभी भी मुझे घबराते हैं और घबरा के अंदर बॉक्स में चले गए। तो इनका बॉक्स में लगभग 2 महीने से चेक नहीं किया था। मुझे नहीं लगता कि इन्होंने अंडे दिए हुएंगे। तभी एक बार चेक करते हैं। पूरा बॉक्स इन्होंने गंदा कर दिया है। इनका एग्स वगैरह कुछ भी इन्होंने ले नहीं की। इनका मुझे कुछ प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आ रहा, इनका प्रॉब्लम क्या है। दिखने में तो ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन एग वगैरह ऐसे ब्रीडिंग ही नहीं कर रहे हैं। इनका कुछ प्रॉब्लम मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं इनको सॉफ्ट फूड भी देता हूँ, चने भिगो के देता हूँ इनको। इनकी प्रॉब्लम ही मुझे समझ में नहीं आ रही ऊपर वाले बर्ड्स की। देखेंगे और थोड़े महीने वेट करके देखेंगे ब्रीड करते हैं या नहीं। नीचे वाले बर्ड्स तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। लगातार दूसरी बार इन्होंने अंडे लेके आए और ये अभी यंग बर्ड हैं। इन्होंने पहले बार जब अंडे ले किए थे वो तो अनफर्टाइल निकले, पहला क्रिस्ता इसे लिए निकले होंगे। लेकिन अब दूसरे क्लज में इनके बच्चे निकलने की उम्मीद करें। दोस्तों, बस यही अपडेट आपको देना था। तो यही, यहाँ पर मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगले वीडियो में मिलेंगे।